दोस्तों जय श्री श्याम। आज मैं फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक नॉलेज वाले वीडियो लेकर। इस वीडियो को देखते रहिए और क्या नॉलेज दी जा रही है इस वीडियो में वो आप पूरा देखेंगे, वीडियो तो समझ में आएगा। यह बहुत ही अच्छी नॉलेज है आप लोगों के लिए वीडियो में, और ये जानकारी सभी नहीं देते हैं और मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो एक नॉलेज वाली वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताया गया है शिक्षा के लिए वित्तीय योजना जो है हमारे देश में या हमारे स्टेट में, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती हैं, कौन कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो वित्तीय योजना जो हमारी शिक्षा के लिए होती है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये पूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपको 25,000 रुपये तक का योजना में लाभ मिलता है, और इस लाभ को लेने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दस्तावेज लगेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, जब ही आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या प्रोसेस है इसका। ये 2,500 रुपये तक का जो भी आपको इसके अंदर सहायता मिलने वाली है, ये IIT डिप्लोमा कोर्स के लिए होती है, सरकारी ITI के लिए होती है, सरकारी ITI में दाखिले हेतु होती है, IIM के लिए होती है, और AMS के लिए होती है, और BTech नर्सिंग कोर्स के लिए ये सहायता दी जाती है। ये सहायता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए श्रमिक कार्ड चाहिए सबसे पहले, जो कि आप कहीं से भी आप बनवाएं अपना श्रमिक कार्ड सबसे पहले चाहिए इसके लिए। और दूसरा चाहिए जाति का प्रमाण पत्र, जो भी आपका जिला से बना हो, SDM कोड से बना हो, जाति प्रमाण पत्र वो चाहिए आपको। और तीसरा चाहिए विद्यालय का प्रमाण पत्र, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हो उसका विद्यालय का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और चौथा चाहिए आधार कार्ड चाहिए श्रमिक का, आधार कार्ड चाहिए श्रमिक का। और पांचवा चाहिए आधार कार्ड स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड चाहिए। और छठा चाहिए बैंक का खाता होना चाहिए आपके पास श्रमिक का। तो और फिर सातवा चाहिए आपको दो फ़ोटो, और जो कि दो फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ की ज़रूरत होती है इसके अंदर, वो दो फ़ोटो चाहिए, और मोबाइल नंबर भी आपका होना आवश्यक है, ज़रूरी है। ये 8 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और आप इन डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप इस वित्तीय सहायता योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। श्रमिक के लिए वित्तीय योजना है ये कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, ये आपको पूरी डिटेल इसमें बता दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय।